वंशु रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मटर का अचार बनाना बताएंगे, जिसे हम एक दो साल स्टोर करके रख सकते हैं और ये बनाना भी बहुत इजी होता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। इसके लिए हमें चाहिए मटर। मटर को उबालना है हमें। सबसे पहले हम गैस ऑन करके गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन में पानी डालें और इसमें एक चम्मच शक्कर ऐड करेंगे और इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं। देखिए, पानी बॉईल हो चुका है, इसमें उबाली आ चुकी है। अब हम मटर के दाने इसमें ऐड करेंगे। मटर के दानों को बॉईल होने देते हैं। देखिए, मटर बॉईल हो चुकी है, मटर के दाने सारे ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसको एक चलनी में निकालेंगे। हमने इस तरह से एक बाउल के ऊपर इस तरह से चलनी रखी है, जिससे कि मटर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे चला जाएगा। हमने सारी मटर निकाल ली है। अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, जिससे कि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और इसको 2 से 5 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देते हैं, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल कर बाउल में आ जाएगा और मटर एकदम ड्राई हो जाएगी। मटर का पानी ड्राई हो रहा है, तब तक हम मसाले देखते हैं। मसाले में हमें क्या चाहिए? जीरा, खड़ा धनिया, खड़ी लाल मिर्च, सौंफ, मेथी दाना, अजवाइन, सरसों के दाने और 10 से 15 काली मिर्च। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और पैन को गरम करते हैं। पैन गरम हो चुका है। अब हमने जो खड़े मसाले लिए थे वो हम इस पैन में डालकर इनको सेकेंगे। सभी मसालों को डाल दें और 2 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनें। ये मसाले अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। ये मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हमें और जो मसाले चाहिए हम वो देखते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, काला नमक, हींग पाउडर, सादा नमक और अमचूर पाउडर। अब सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रख के उसमें ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लेते हैं। तब तक हमने जो मसाला सेका था वो भी ठंडा हो जाएगा। मसाला ठंडा हो चुका है, इसको एक मिक्सर के जार में डालकर बारीक पीसकर इसका पाउडर बनाएं। देखिए, ऑयल गरम हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ऑयल को ठंडा कर लेते हैं। हमने खड़े मसाले को भी बारीक दरदरा पीस लिया है। मटर भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसमें पिसा हुआ खड़ा मसाला डालेंगे, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हींग पाउडर और अमचूर पाउडर। इन सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए, ऑयल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मटर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए, मटर का अचार बनकर तैयार है। आप इसको बनाइए और साल भर तक स्टोर करके रखिए, खराब नहीं होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।